नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल के अंदर कि राजस्थान की जो जलवायु है उसमें जो ऋतुएं होती है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, और उसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में कल हमने काफ़ी बातचीत की थी। उसके आगे देखिए, जो गर्मी की ऋतु है या जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम। कल मैंने आपको बताया था इधर से जो पवन आती है इस पवन को सूर्या कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से जो पवन राजस्थान में आती है, उसे सूर्या के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण पश्चिम से जो पवन राजस्थान में आती है उसे समदरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम से सूर्या और दक्षिण पश्चिम से आने वाली को समदरी कहा जाता है। पश्चिम से जो पवन आएगी उसे पछया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कल हमने बात कर ली थी, इसे हम पूर्वा कहते हैं जो पूरब की तरफ से आएगी। इसके बारे में भी कल हमने बात कर ली थी, इसे लंकाऊ कहते हैं। इसके बारे में भी बात कर ली थी, विशेष बात क्या है। विशेष बात जो समझने वाली है वो बात यह है कि यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अलग अलग दिशा से आने वाली हवाएं। अब चूंकि हम गर्मी की ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्मी की ऋतु में क्या होता है, जो पवने होती है वो धरातल से गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। तो जब गर्म पवन ऊपर की ओर उठती है और ठंडी पवन इसका स्थान लेने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ती है, और इस तरीके से एक भंवर का निर्माण होता है। इस भंवर को राजस्थानी भाषा में बबूलिया कहा जाता है। इस भंवर को राजस्थानी भाषा में बबूलिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भंवर बबूलिया कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर जो संवाहनक स्थिति जो बनती है उसके कारण, ध्यान रखिएगा, गर्म पवन का स्थान लेने के लिए ये ठंडी पवन आती है और इस कारण से ये भंवर का निर्माण होता है, इसे बबूलिया कहा जाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, बबूलिया के अंदर पवन जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। बबूलिया में हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में
जो ये खाली जगह हैं ऊपर तक, ये खाली जगह हैं, ये न्यून दाब का क्षेत्र है, न्यून दाब का क्षेत्र है, और बाहर जो हवाएं हैं वो उच्च दाब का क्षेत्र है, उच्च दाब का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, हम बबूलिया के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ मैंने आपको बताया कि राजस्थान में उत्तर की ओर से आने वाली पवन को धुराऊ कहते हैं, पूर्व की ओर से आने वाली पवन को पूर्वा कहते हैं, जो सर्दियों में चलती हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकतर पूर्वा सर्दियों में चलती हैं। हम बात कर रहे हैं जो दक्षिण से पवन आती है उसे लंकाऊ कहते हैं, जो दक्षिण पश्चिम से पवन आती है उसे समदरी कहते हैं, और जो उत्तर पश्चिम से राजस्थान में पवन आती है उसे सूर्या के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, चूंकि राजस्थान के अंदर हम बात कर रहे हैं गर्मी की ऋतु, और गर्मी की ऋतु में जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का जो माह है, उसमें आर्द्रता न्यूनतम होती है। अप्रैल माह में आर्द्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ध्यान रखिएगा, जो गर्मी की ऋतु के प्रारंभ का समय है, प्रारंभ समय में आर्द्रता कई बार ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल माह में न्यूनतम आर्द्रता होती है, अप्रैल माह के अंदर न्यूनतम आर्द्रता होती है। अब राजस्थान और भारत में 21 जून को सबसे गर्म दिन होता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून सबसे गर्म दिन होता है। 21 जून राजस्थान का और भारत का सबसे बड़ा दिन व छोटी रात होता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून राजस्थान का सबसे बड़ा दिन व छोटी रात होता है। यूं कह सकते हैं, 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा या लंबवत करक रेखा पर चमकता है, करक रेखा पर चमकता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होती है 21 जून को, वो करक रेखा पर होती है, और जब करक रेखा पर होती है तो इसका मतलब हुआ कि इस दिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है, लंबवत या समकोण पर चमकता है। और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, श्री गंगानगर के अंदर सबसे तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में, कि जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में जो पवने चलती है, वो पवने दक्षिण पश्चिम से आने वाली होती हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में जो पवने चलती है वो दक्षिण पश्चिम से पवने आती हैं। इसे आप
राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है। चेक कर, चल रहा है। बंद कर दे एक बार। तो हम लोग बात कर रहे थे कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से जो पवनें आती है उन्हें समदरी या दक्षिण पश्चिम मानसून पवन भी कहा जाता है। अब यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी हैं। एक तो महीना आता है अप्रैल और मई। इस समय राजस्थान में जो पवन आती है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जून माह में, जून, तो जून के अंदर जो पवन चलती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली पवन होती है जो जून माह के अंदर चलती है, और यही पवन जुलाई माह के अंदर और अगस्त माह के अंदर राजस्थान में बारिश करवाती है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आगे हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के अंदर कि सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से ही होती है। हालांकि ये पवनें दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा में, लेकिन कॉमन रूप से उसे दक्षिण पश्चिम मानसून पवन ही कहा जाता है। अब चूंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, तो इसके बारे में एक सवाल ये भी है कि राजस्थान का औसत तापमान क्या है। औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है राजस्थान का। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। और सबसे गर्म दिन कौन सा है? 21 जून। सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। ध्यान रखिएगा, 21 जून सबसे बड़ा दिन है राजस्थान का, सबसे बड़ा दिन है। अब चूंकि हम गर्मी के समय की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो पवन चलती है वो समुद्री पवन जो कि जून के माह में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती है। ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने बात करी थी इस माह के अंदर पश्चिम से पूरब की ओर जो पवनें चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर जो पवनें चलती है कई बार ये पवनें अपने साथ धूल भरी आंधियां लेके आती है। ध्यान रखिएगा, आंधियों में अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां यहाँ पर आती है श्री गंगानगर के अंदर। सबसे ज़्यादा आंधियां यहाँ पर आती है श्री गंगानगर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे कम आंधियां यहाँ पर आती है झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर सबसे कम आंधियां आती है। याद रखिए, हमने बात करी है कि दक्षिण पश्चिम की ओर से आने वाली पवन को समदरी या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये मानसून आता है तो इस मानसून के साथ कई बार बारिश के साथ बहुत ही तेज हवाएं चलना लग जाती है, और उन तेज हवाओं को राजस्थानी भाषा के अंदर अरडाव के नाम से जानते हैं। वर्षा के साथ तेज हवाएं अरडाव के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, उन्हें अरडाव के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर, गर्मियों की ऋतु के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक तापमान तो सर्वाधिक तापमान जो होता है वो अगर हम बात करें जिले में तो चूरू का, सर्वाधिक तापमान चूरू का। और अगर बात करें सर्वाधिक दैनिक तापांतर तो उसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर। और अगर हम बात करें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर तो उसका उत्तर हो जाएगा चूरू। वार्षिक तापांतर चूरू का है और दैनिक तापांतर जैसलमेर का है। अब ताप में जो अंतर होता है वो निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन का जो तापमान मापा जाता है वो दिन में दोपहर के बाद और लगभग कब, 3 बजे के आसपास, लगभग ध्यान रखना है 3 बजे के आसपास। और रात्रि में जो टेम्परेचर लिया जाता है, तापमान लिया जाता है, वो भी कब लिया जाता है, रात्रि में भी 3 बजे, जिसे हम प्रातः के 3 बजे कह सकते हैं, ठीक है। और ये दोपहर के 3 बजे, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के अंदर जो सर्वाधिक दैनिक अंतर आता है वो जैसलमेर में आता है। और उसके पीछे कारण क्या है, दैनिक के पीछे रेत, क्योंकि यहाँ पर रेतीले टीले हैं, रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू का है और उसके पीछे कारण है चूने के निक्षेपण, जिसे हम सैंड स्टोन के पत्थरों की बात भी करते हैं, तो वो भी उधर ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण माना जाता है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो इसमें आपको एक चीज और समझनी है, कि जो राजस्थान में चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, एक तो प्रश्न ये आता है राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, एक प्रश्न आता है राजस्थान में शुष्क स्थान कौन सा है, फिर प्रश्न आता है राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला, एक हो जाएगा न्यूनतम तापमान वाला स्थान, दो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए फलोदी जोधपुर, ध्यान रखना है राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर, सबसे शुष्क स्थान भी फलोदी जोधपुर। राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू, न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू। और अगर बात करें राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा रहेगा, स्थान रहेगा माउंट आबू,
ध्यान रखिएगा, स्थान की अगर हम बात करें तो माउंट आबू रहेगा। अब अगर अपन बात करें कि राजस्थान में न्यूनतम तापांतर, और तापांतर में भी अगर बात करें कि दैनिक न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिले की अगर अपन बात करें, जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो डूंगरपुर रहेगा। और ऐसा ही प्रश्न कि राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला ये जिला हो गया। अब हम बात करें कि न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान तो वो रहेगा माउंट आबू के अंदर न्यूनतम देखो इस सवाल को इस तरीके से समझना है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला उसको समझना है स्थान के अंदर लिखेंगे आप माउंट आबू। और अगर हम बात करेंगे न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला जिला तो वो माना जाएगा डूंगरपुर। ध्यान रखिएगा दैनिक तापांतर वाला स्थान जो है वो माउंट आबू है, और वार्षिक तापांतर वाला जिला जो है उसको डूंगरपुर माना जाएगा। न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो डूंगरपुर जिला जो है न्यूनतम वार्षिक तापांतर